देखो तुम्हारे हिसाब से कंप्लेंट थोड़े रिटर्न लेने वाले रहते हैं। के बाद भी यहाँ सेफ्टी का कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? रोटी और सब्जी जो है ये बेच रहे हैं 100 रुपए की। पैसा अभी पूरा खा भी नहीं पाए, लेकिन उतने से पहले सिग्नल हो गया क्योंकि गरीब रथ छोटी पड़ गई। ये देखो यहाँ पर अपनी गरीब रथ एंड हो गई। ये मील है, अब इसमें क्या है क्या नहीं खोल के दिखाएंगे। वही आज भी एक भी गरीब रथ को LHB नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? ट्रेन नंबर 12201 मुंबई कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई को केरला के त्रिवेंद्रम से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान कवर करती है 1503 किलोमीटर 29 घंटे 50 मिनट के समय में, और जो एवरेज स्पीड रहती है इस जर्नी के दौरान वो रहती है 50 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस गरीब रथ एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं मुंबई से कोचुवेली के बीच। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो भाई साहब अभी बारिश जो है फिर से स्टार्ट हो गई है मुंबई में, लगातार बारिश हो रही है, और अपनी जो गरीब रथ है वो आज लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। चलो चलते हैं नीचे की साइड प्लेटफॉर्म पर और रखते हैं लगेज वगैरह। ये देखो बैग है, लगेज रखना है सबसे पहले चलकर, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है डिपार्चर में। तो भाई साहब ये रही अपनी कोचुवेली गरीब रथ एक्सप्रेस, WAP-5 लोकोमोटिव लगा हुआ है गाजियाबाद शेड का। अभी हम लोग आए हैं, जस्ट अभी कपलिंग हुई है ट्रेन की, जस्ट अभी। चलो अब चलते हैं अपने कोच की तरफ। तो आज इस गरीब रथ एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं 3rd AC में, और अपना कोच है G3। चलो अभी बारिश तो हो ही रही है, चलते हैं अंदर, सीट दिखाते हैं। भाई साहब आज की सीट बड़ी बेकार मिली है हम लोगों को। तो ये है अपनी गरीब रथ के 3rd AC का फर्स्ट लुक। साफ सफाई तो अभी सही दिख रही है, ICF कोचेस के साथ चलती गरीब रथ आपको पता ही है, मेंटेनेंस अभी फिलहाल ठीक है। और जो सीट है अपनी वो है ये मिडिल बर्थ 61। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है LTT मुंबई रेलवे स्टेशन से। अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस निकल चुकी है LTT मुंबई रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस गरीब रथ का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंडे एंड फ्राइडे को शाम को निकलती है 4:55 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन से, और रात में अगले दिन 10:45 पे पहुंचा देती है कोचुवेली रेलवे स्टेशन। सत्रह किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे थाने रेलवे स्टेशन, जहाँ से इंडियन रेलवेज भाई स्टार्ट हुआ था। इंडियन रेलवेज की पहली ट्रेन थाने रेलवे स्टेशन से ही चली थी। टोटल इस रेलवे स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है, 171 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ना तो यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है, और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। भाई साहब अभी थाने से निकले हैं, और उसके बाद यहाँ का व्यू देखो यार, क्या बेहतरीन व्यू है, एकदम क्लाउड से हो रहे हैं इधर पे, और बारिश तो लगातार हो ही रही है जब से मुंबई से हम लोग निकले हुए हैं। तो हमारी तो गरीब रथ एक्सप्रेस में ये काफ़ी दिन बाद जर्नी हो रही है, लेकिन एक चीज़ है गरीब रथ के जो कोचेज हैं ना, एक तो ICF कोचेज हैं, और इसमें स्पेस की काफ़ी कमी होती है क्योंकि इसमें जो है ना सिटिंग कैपेसिटी बड़ी होती है पैसेंजर्स की, इसलिए इसमें भाई स्पेस काफ़ी कम रहता है। अभी तो हम दूसरे कंपार्टमेंट में आके बैठे हुए हैं, जो हमारा वाला है वो तो एकदम फुल है, वहाँ तो फुल पैसेंजर जितने मतलब सीट्स हैं उतने पैसेंजर्स आ चुके हैं। अभी यहाँ भी कुछ ही देर में पनवेल आने वाला है, तो यहाँ से ये भी फुल हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत भाई ये है विंडो वाली, विंडोज़ जो है ना
कुछ कुछ क्लियर हैं, कुछ साफ हैं, इस पर बाहर का व्यू अच्छा मिल रहा है, किसी किसी पे बिल्कुल दिखता ही नहीं है क्लियर। हाँ फ्राइडे चौवन किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं हम लोग मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन, जिसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे। टोटल यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 17 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, 127 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर समोसा, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और मतलब वो लोग कह रहे हैं गर्म भी है, तो भाई यहाँ पर ट्राई कर सकते हो बरसात के मौसम में। और स्टॉल तो है पीछे की साइड, एक स्टॉल है और इधर भी आगे को है स्टॉल, मतलब पास में जहाँ हमारा कोच लगा है इधर पास में कुछ भी नहीं है। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है पनवेल रेलवे स्टेशन से। अब भाई साहब इस ट्रेन के बारे में एक चीज़ जो है वो हमको थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगा, वो कि भाई ये ट्रेन रात में निकल जाती है कोंकण रूट से, क्योंकि भाई जानते हो अभी चल रहा है मानसून और ऐसे में अगर कोंकण रेलवे से होते हुए अपनी ट्रेन जाए वो भी रात में निकल जाए तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है, वही सीन है। अब ये ट्रेन हमको कवर करनी थी इसीलिए इसमें हमने टिकट किया, इसमें जर्नी कर रहे हैं। बाकी कोंकण का रूट तो हम कई बार आपको दिखा चुके हैं चैनल पे, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी सारी ट्रेन हमने कवर की हुई हैं तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको कोंकण रेलवेज की मानसून की जर्नी देखनी है। अभी फ़िलहाल तो इस ट्रेन से पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रात में निकलेगी पूरा जो कोंकण का रूट है उसमें से। बट अभी पनवेल निकलने के बाद भाई सब देख रहे हैं इधर पे हम काफ़ी बढ़िया जो है वेदर तो हो ही रहा है और व्यूज़ भी कुछ बेहतरीन मिल रहे हैं, तो चलो जो भी है थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं अभी अंधेरा होने से पहले। यहाँ पे रूट की बात करें तो देखो पनवेल से निकलने के बाद अपनी गरीब रथ का जो स्टॉप है अब सीधे है रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे, लगभग 280 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। अब पनवेल निकला है अभी शाम के 6 बजे और अब रत्नागिरी आएगा रात के 11:15 बजे। रात का बज रहा है 8 और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है वीर नाम से, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर रुकी हुई है। ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, रत्नागिरी है सीधा हॉल्ट, लेकिन यहाँ पर सिग्नल ना होने की वजह से रुकी हुई है ट्रेन। और बाकी इस ट्रेन की यार एक चीज़ हम आपको बता दें, इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं है। ऑनलाइन हमने देखा था वहाँ लिखा हुआ था साइड पेंट्री, अभी यहाँ पर कुछ लोग जो है चीज़ें वगैरह बेच रहे हैं अभी हमने दिखाया था, ठीक है, तो उनका कहना है कि साइड पेंट्री और रत्नागिरी तक इनकी साइड पेंट्री चलती है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे तो भाई साहब कोई भी स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं है कि यहाँ से कुछ भी चाय नाश्ता या कुछ भी पानी वगैरह लिया जा सके, एकदम छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये, गाँव काफ़ी बना हुआ है, सही है। बाकी स्टॉल्स वगैरह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आगे की साइड तक,
कुछ भी नहीं है। तो भाई अपनी गरीब रथ को क्यों रोका गया, अब क्लियर हुआ है। वो देखो मेन लाइन पे ग्रीन सिग्नल हो गया है क्योंकि यहाँ पर होनी है क्रॉसिंग और अभी अपनी गरीब रथ के बगल से क्रॉस होने वाली है मडगांव मुंबई जन शताब्दी एक्सप्रेस, उसके लिए ग्रीन सिग्नल हो गया है मेन लाइन पे। क्या क्या है अपने पास भाई? वेज बिरयानी, चपाती भाजी, चिकन बिरयानी। चपाती भाजी 110। चपाती भाजी में कितना चपाती होगा? चार चपाती रहता है, मिक्स भाजी आता है, वेजिटेबल कोरमा 130। तो चपाती भाजी कितने का? 110। चपाती भाजी 100 रुपए का। 100 रुपए का वो नहीं है, वेज थाली नहीं है? थाली नहीं आती अपने पास, नहीं आता। तो चपाती भाजी 100 का आता है, वेज थाली कितने का आता है तो पता है? वेज थाली की दिलाए थे ऋषि, आता भी वो 80 रुपए का रेट है उसका, ठीक है। और तुम चपाती भाजी बोल रहे हो 100 रुपए का। सर अपना बाहर का रहता है खाना? बाहर का कहाँ का रहता है? साइड पेंट्री बोलते हैं उसको। हाँ तो साइड पेंट्री तो रेलवे के हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी ये बताओ। तो भाई साहब इस ट्रेन की साइड पेंट्री जो है इसमें ये भाई पूड़ी रोटी और सब्जी जो है ये बेच रहे हैं 100 रुपए की, ठीक है। और बिरयानी वगैरह भी ओवर प्राइस बेच रहे हैं। ये देखो ये चला गया वीडियो बना रहे हैं, तो क्योंकि ओवर प्राइस हर चीज बेच रहा है, हर चीज आ गया तुम्हारे पास। हाँ, कुछ के रिटर्न लेने वाले तो आपके ऊपर है, रिटर्न लेने वाले थे ले लो। चलो आप सही प्राइस पे दे रहे हो तो रिटर्न ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी वाले को भिजवा दो, ठीक है? तो हम करवा देते हैं। चलो ठीक है, बोले दे दिया उनको, मैं खाना ही ना दे दिया, पानी भी भेजवा बोला उनको, ये 100 रुपए का बेच रहे थे, बताइए 80 रुपए की वेज थाली आती है। भाई अभी जो है कंप्लेन हमने करवाई थी रेल मदद पे पोर्टल पे, उसके बाद जो है टीटी भी आए थे अभी स्टाफ और इनका ये जो साइड पेंट्री है जो भी, तो उसके बाद 80 रुपये में जो रेट है उसमें देखे गए हैं। और साथ में पानी की बोतल हम आपको दिखा देते हैं, ये एक पानी की बोतल चल रही है इस ट्रेन में, ठीक है। रेल नीड तो नहीं है, जो रेलवे अप्रूव पानी की बोतल होती है वो नहीं है, बट इस पे MRP 15 ही डला है और लेकिन 20 रुपये का भी चल रहा था, फिर अभी 15 में ही देखेगा 30 की 2 बोटल्स, ठीक है। तो वही है, जो पैसेंजर भाई बोलेगा तो उसको सही प्राइस मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसको प्राइस सही नहीं मिलेगा, वही बात है भाई। हर ट्रेन में जो होता है भाई इसमें भी है, नया तो कुछ है नहीं। चलो अभी ये फ़िलहाल रोटी और जो सब्जी ली है इसको टेस्ट करते हैं, फिर बताएंगे आपको इसका टेस्ट क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो क्या हिसाब किताब रहा अभी तक, सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं और आपने देखा ही भाई वीडियो में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, अगर आप बोलोगे तो सही प्राइस मिलेगा। वहीं बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स थे, उनको क्या लग रहा था कि ठीक है एक्स्ट्रा पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है। उनके सामने ही उस टाइम हमने वीडियो बनाई कि भाई अगर आप दोगे तो नहीं बोलोगे तो फिर भाई सामने वाला ले लेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलोगे तो फिर कोई और नहीं बोलने वाला, तो वही है। लेकिन कई लोग हैं ना समझते ही नहीं है इस बात को। बाकी खाने की टेस्ट की बात करें तो खाने का टेस्ट सही था, ठीक है। हम नहीं कहेंगे खाना बेकार था, खाने का टेस्ट अच्छा था, सब्जी का जो टेस्ट था वो सही था, चार रोटी थी उसमें तो सही था, मतलब सफिशियंट था। लेकिन प्राइस भी सही देना बहुत ज़रूरी है। अब 80 की थाली रहती है उसमें एक सब्जी, एक दाल, चावल, अचार, दही, पराठा, इतनी सारी चीज़ें रहती है भाई। 80 में हम कह रहे हैं तुम ये दे रहे हो चार रोटी सब्जी, तो 80 की तो दो कम से कम, इसको भी 100 का बेच रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, है ना, इस चीज़ पे देखना पड़ेगा। भाई से हमारी बात हुई, फिर कहता कि कंप्लेन वम्प्लेन वापस ले लो, हमने चलो ठीक है ले लेंगे कंप्लेन वापस, लेकिन आगे से इस चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा अच्छे से काम करो ताकि तुमको भी दिक्कत नहीं आए, पैसेंजर को भी दिक्कत नहीं आए। अब जाके ये कहानी ख़त्म हुई। बाकी अभी अपने कोच में भाई साहब अपनी है मिडिल बर्थ, ये बड़ी बेकार है, मिडिल बर्थ इतनी बेकार होती है ना, क्या मतलब। वैसे इस गरीब रथ में साइड मिडिल बर्थ नहीं है, लेकिन मेन जो मिडिल बर्थ होती है ना सभी ट्रेन के थर्ड एसी में होती है वो हमको मिली हुई है,
क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते अभी। बाकी पैसेंजर्स ने जो अपनी सीट वगैरह खोल ली है, बैडिंग कर ली है, वो मस्त सो रहे हैं और अभी हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलो हम भी जाते हैं, अपनी बैडिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं रत्नागिरी, अगर हो पाया कवर तो करेंगे। ठीक है, अगर नींद लग गई तो फिर भाई करेंगे सीधा सुबह उठ के इस रूट को कवर, आगे का जो भी रहेंगे रेलवे स्टेशन। कॉफी सो है। गुड मॉर्निंग गाइस, करीब 822 किलोमीटर की जर्नी करके ये आ चुके हैं अभी हम लोग उदुपी रेलवे स्टेशन, और बस सुबह की चाय अभी यहीं से पी रहे हैं। 2 मिनट का अपनी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है और 10 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलो चाय पीते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ की चाय कैसी है। वैसे बोल रहे थे स्पेशल चाय है, 10 रुपये की चाय मिली है। चाय भाई एकदम डिफरेंट टेस्ट है, मतलब सही है टेस्ट, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके बाद आएगा मैंगलोर रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है वो देखेंगे। अभी यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड था तो बस यहाँ की चाय ठीक है। और बाकी उदुपी रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर ये जो स्टॉल है जहाँ से अभी हम लोगों ने चाय ली है, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह भी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे समोसा हो गया, पराठा वगैरह, ये सारी चीज़ें। 2 मिनट का होल्ड था, ये लो सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का, निकलने का समय यहाँ से हो गया है। निर्धारित समय से ये आ चुके हैं अभी हम लोग मैंगलोर जंक्शन, जिसको कानकानडी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले था मैंगलोर रेलवे स्टेशन, जिसके बाद इसको मैंगलोर जंक्शन नाम रखा गया, क्योंकि इस सिटी में एक और रेलवे स्टेशन है मैंगलोर सेंट्रल, और दोनों के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी, इसलिए इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया था। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता ही अंडर पलक्कड़ रेलवे डिवीजन की, और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। चलो यार, यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ना वेंडर्स वगैरह हैं, बेच रहे हैं बिरयानी नाश्ता वगैरह जो भी है, तो चलो कुछ यहाँ से लेते हैं। भाई अब साउथ में आ गए हैं तो साउथ इंडियन कुछ ब्रेकफास्ट किया जाएगा, देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पर। वैसे भाई यहाँ पर जो है वेज पुलाव बिरयानी वगैरह मिल रही है, मेदू वड़ा हो गया चटनी के साथ मिल रहा है, चाय वगैरह, और यहाँ भी है देखते हैं उपमा वड़ा अगर मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। भाई उपमा वड़ा तो यहाँ देख रहे थे, उपमा वड़ा तो नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर यही वड़ा मिल रहा है, ये ले लेते हैं चटनी से। चटनी है ना, मेदू वड़ा देना 100 रुपया, 2 पीस मेदू वड़ा दे दो और एक ये दाल वड़ा दे दो। समोसा नहीं चाहिए, 50 का प्लेट हो गया, इसको हटा दो फिर, मेदू वड़ा ही डाल दो। कितने का हुआ है? 50 का। तो अभी ब्रेकफास्ट में ये लिया अपन ने भाई, ये है मेदू वड़ा और साथ में दाल वड़ा, 50 रुपए की प्लेट है ये, 4 चीज़ों की। ठीक है, 4 कुछ भी ले लो, समोसा भी ले सकते थे तो हमने ये ले लिया। और बाकी अभी यहाँ पर देख रहे हैं डोसा परोठा, ये सारी भी चीज़ें भी मिल रही हैं इसी रेलवे स्टेशन पर। चलो भाई सब टेस्ट करते हैं, सबसे पहले ये मेदू वड़ा। ठंडा मिला भाई, ठंडा ही ब्रेकफास्ट यहाँ पर मिला, गरम नहीं है लेकिन ये फ्रेश है, और साथ में इसकी चटनी है, ये अजीब सी चटनी है। वैसे नारियल की चटनी ज़्यादा बेटर लगती है, ये लाल वाली कोई चटनी है। सही है भाई साहब,
उसका टेस्ट चटनी के संग सही लग रहा है। तो यहाँ से आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। वैसे अभी पूरा खा भी नहीं पाए, लेकिन उतने से पहले सिग्नल हो गया। जो दाल वड़ा है उसका टेस्ट हम आपको बताएंगे बाद में, अभी फिलहाल चलते हैं अपने कोच में फटाफट। मेदू वड़ा का टेस्ट तो हमने आपको स्टेशन पे ही बता दिया था, बाकी जो दाल वड़ा था ना उसका टेस्ट उतना सही नहीं था, मतलब टेस्ट भी एवरेज था और उतना फ्रेश भी नहीं था, इसलिए काफ़ी हार्ड था। मतलब जो खा रहे थे ना क्रंची था थोड़ा थोड़ा, बट उतना सही नहीं था क्योंकि वो फ्रेश नहीं था। हमें लगता है थोड़ी देर का काफ़ी टाइम का रखा हुआ था, इसलिए उसमें मज़ा नहीं आया, लेकिन मेदू वड़ा सही है। ग्यारह किलोमीटर की जर्नी करके निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग कोझिकोड रेलवे स्टेशन, जो कि केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इस रेलवे स्टेशन को कैलीकट के नाम से भी जाना जाता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 111 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है। अब लंच के लिए भाई साहब कुछ लेना है तो यहीं से ले लेते हैं, 7 मिनट बिफोर है, 3 मिनट का हॉल्ट है, 10 मिनट अपनी ट्रेन लगभग यहाँ रुकने वाली है, यहाँ से फटाफट देखते हैं। वैसे भी बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं और क्या ऑप्शन हैं, लेते हैं लंच, क्योंकि अब जो लंच है ना यहीं से लेना पड़ेगा, ट्रेन में तो कुछ है नहीं है। बाकी स्टॉल्स तो यहाँ पर काफ़ी सारे लाइन से हैं, उधर आगे की साइड में जो है ना एक फूड प्लाजा भी था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है खाने के, यहाँ भी हैं। चलो फूड प्लाजा की साइड ही चलते हैं, देखते हैं बेटर क्या ऑप्शन मिल सकता है खाने के लिए। वैसे यहाँ पर तो काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जो ऑलरेडी खाने पीने को चीज़ें बेच ही रहे हैं। भाई साहब हम लोगों की गरीब रथ छोटी पड़ गई, ये देखो यहाँ पर अपनी गरीब रथ एंड हो गई और यहाँ पर वो है फूड प्लाजा आया सिटीज का फूड ऑन ट्रैक, यहाँ से लेते हैं फटाफट। ये देखो यहाँ पर गरीब रथ एंड हो, एकदम एंड में आना पड़ा हमको। तो भाई अभी फूड ऑन ट्रैक पे गए थे वहाँ तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एक वेज रेस्टोरेंट था यहाँ से मिल गई हमको ये मील है। अब इसमें क्या है क्या नहीं खोल के दिखाएंगे, वहीं वेज है टोटल और इसके साथ में ये देखो हाल के हाल हमने बिल भी ले लिया है 91, लेकिन दिया 90 का ही है ये पूरा बॉक्स है। अब इसके अंदर क्या है हमें भी नहीं पता, चलते हैं फटाफट अपने कोच की तरफ, दिखाएंगे यहाँ से डिपार्चर के बाद इस मील में वेज मील में क्या क्या है। तो ये रहा भाई अपना बॉक्स जिसमें बिल भी लिया हुआ है, हमने साथ में आपको बताया था। चलो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी ये जो बॉक्स खोला हमने और इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक तो ये चम्मच है, साथ में एक ये मैंगो पिकल अचार का पैकेट है और ये 4-5 ऐसे पैकेट हैं। इसके अंदर क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन एक चीज़ सही है गर्मा गर्म है जो भी चीज़ें हैं इसमें, एकदम गर्मा गर्म है, 5 पैकेट ये हो गए। हाँ भाई साहब इसमें जो है अंदर चावल ही निकले हैं, काफ़ी क्वांटिटी तो ज़्यादा है चावल की, और साथ में ये कुछ पता नहीं बीन्स है कि क्या है, बीन्स टाइप का ही लग रहा है ये डली हुई है इसमें। अब चलो ये सब खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने खोल ली हैं, देखो एक में तो ये रही नारियल की चटनी है, ठीक है, और एक में ये है दही, मतलब रायता टाइप का है, दही हो गया, बाकी एक में सांभर है और 2 सब्जियाँ हैं इसमें। चलो अब एक एक करके सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो जो चने वाली सब्जी थी वो ज़बरदस्त टेस्ट है भाई, और एक और इसमें सब्जी थी जो है कद्दू वाली, ये रही कद्दू, इसका टेस्ट भी सही है। अब जो नारियल की चटनी थी उसके संग चावल टेस्ट करते हैं,
सही है, इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट लगा, मतलब जैसी नॉर्मल जो नारियल की चटनी होती है उससे थोड़ा अलग है, सही है टेस्ट। और बाकी जो सांभर था ना उसको टेस्ट करते हैं, वो तो एकदम भाई साहब पानी पानी था, वो तो गायब ही हो गया। इसका टेस्ट हमको उतना सही नहीं लगा, मतलब ठीक है, बट ये जो सब्जियां थी ना दो, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। अब रायता, रायता नहीं है बस ये मतलब दही है और टेस्ट का सही है, मतलब एकदम नॉर्मल है। तो सारी चीज़ें सही है, इस तरह की पहली बार हम मील ट्राई कर रहे हैं साउथ में, वो भी ट्रेन में, तो हमने सोचा चलो ये तो अच्छे से आपको दिखानी ही चाहिए। बाकी इस तरह की कोई मील आपने अगर कभी ट्राई की है ट्रेन में साउथ में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। भाई इस गरीब रथ एक्सप्रेस में यहाँ पर तो डस्टबिन है ही, उसके साथ ही यहाँ पर भी ये देखो पन्नी वगैरह लगा रखी है ताकि कूड़ा वगैरह यहाँ पर डालो आप, ट्रेन में गंदगी ना हो, तो ये चीज़ सही है भाई कि अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। यहाँ दो पन्नी लगी हुई हैं बीच में, कोच के बीच में। निर्धारित समय से 17 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग शोरनूर जंक्शन, जो कि केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म, 111 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट ऑपरेट करता है। साउदर्न रेलवे आता है अंडर पलक्कड़ रेलवे डिवीजन के, और आपको पता है केरला का ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है इन द टर्म्स ऑफ एरिया। और अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, 17 मिनट पहले आ गए, अब 22 मिनट हम लोगों की ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और बाकी इस रेलवे स्टेशन पे हम देख रहे हैं खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है। साउथ के रेलवे स्टेशन पे एक चीज़ तो है कि भाई बिरयानी और मेदू वड़ा, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली लगभग सभी स्टेशन पे मिल जाएंगी, यहाँ पर भी वही सीन है, गर्मा गर्म मिल भी रहा है। तो भाई अभी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ चुकी है नेत्रावती एक्सप्रेस, इसकी जर्नी ऑलरेडी हमने की हुई है, आपको मिलेगी चैनल पर, तो देख लेना अगर आपको नेत्रावती एक्सप्रेस की जर्नी देखनी है जो कि मुंबई से त्रिवेंद्रम के बीच में चलती है। वैसे आपको पता है ये जो गरीब रथ एक्सप्रेस है ना, इसमें दो क्लास मिलेंगी आपको अलग अलग ट्रैवल करने के लिए, एक तो थर्ड एसी। नॉर्मली सभी गरीब रथ में क्या होता है, सारे कोचेज जो होते हैं वो थर्ड एसी के होते हैं, लेकिन इस गरीब रथ में थर्ड एसी के अलावा आपको एसी चेयर कार का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस गरीब रथ में भी दो एसी चेयर कार लगे हैं, एक आगे की साइड है, एकदम एक पीछे की साइड है। चलो एक बार हम आपको एसी चेयर कार का कोच दिखा देते हैं भाई, कैसा है कैसा नहीं इस गरीब रथ एक्सप्रेस का। यह है भाई साहब इस गरीब रथ एक्सप्रेस का एसी चेयर कार का फर्स्ट लुक, 3x3 की जो है सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस कम रहेगी। खैर इससे पहले एक बार युवा एक्सप्रेस की एसी चेयर कार में हम ट्रैवल कर चुके हैं जो कि मुंबई से दिल्ली के बीच चलती है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने एसी चेयर कार में ही ट्रैवल किया है। और अच्छे से अगर आपको एसी चेयर कार की जर्नी देखनी है तो वो वीडियो आप चैनल पर देख सकते हो युवा एक्सप्रेस की। अपने निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन, जो कि एर्नाकुलम का ये नॉर्थ वाला रेलवे स्टेशन है। एक और रेलवे स्टेशन है जो कि एर्नाकुलम जंक्शन है, इसको साउथ के नाम से जानते हैं अलग अलग करने के लिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको एर्नाकुलम नॉर्थ कहते हैं, उसको एर्नाकुलम
साउथ रेलवे स्टेशन कहा जाता है, मतलब दो यहाँ पर मेन रेलवे स्टेशन है और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और एक चीज़ के बारे में हमें बात करनी थी आप लोगों से भाई, इस वीडियो में हम लोग जर्नी कर रहे हैं गरीब रथ एक्सप्रेस में जो कि ICF कोचेस के साथ चलती है, ठीक है, और ये मतलब सालों से ICF कोचेस के साथ ही चली आ रही है। और कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक एक्सीडेंट देखा था कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था, और वो भी LHB कोच होने के बाद भी ये हाल हुआ था भाई। वैसा कुछ हम लोग ICF में सोच भी नहीं सकते भाई कि क्या लेवल होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, है ना। इतने टाइम से ICF कोचेस जो है रेलवे रिप्लेस कर रही है लगातार ट्रेन्स के, और LHB कोचेस जो है आते जा रहे हैं लगभग सभी ट्रेन्स पे, ऑलमोस्ट आ चुके हैं अभी तक, लेकिन आज भी एक भी गरीब रथ को LHB नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई किसी को नहीं पता। जबकि ऐसा नहीं है, अब कई लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो है पैसेंजर की कैपेसिटी ज़्यादा है गरीब रथ में, इसलिए नॉर्मल जो अपने LHB कोचेस हैं वहाँ पर उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम है, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं। अभी जिस गरीब रथ में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, इसके थर्ड AC में साइड मिडिल बर्थ नहीं है, इसकी वजह से इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 75 पैसेंजर्स की। और अगर हम लोग नॉर्मल थर्ड AC कोच की कैपेसिटी की बात करें LHB कोच की, तो उसकी कैपेसिटी होती है 72 की, और अगर इकोनॉमी कोच की बात करें तो भाई उसकी कैपेसिटी होती है 83 पैसेंजर्स की। तो भाई बहुत इजीली इकोनॉमी कोचेस से तो गरीब रथ को LHB किया जा सकता था, लेकिन इकोनॉमी कोचेस का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन में ज़बरदस्ती उनको घुसाया जा रहा है, पैसेंजर बुक कर रहा है थर्ड AC में, उनको दे रहे हैं इकोनॉमी कोच, उसके बाद उसको ग्लिच बताकर पैसेंजर को ज़बरदस्ती बिना मर्जी के इकोनॉमी कोच में ट्रैवल करवाया जा रहा है। तो भाई इकोनॉमी कोच को जहाँ लगाना चाहिए था वहाँ तो लगाया नहीं, LHB करनी चाहिए थी गरीब रथ वो नहीं करी। अभी ये गरीब रथ तो भाई इसकी मैक्स स्पीड 110 है इस रूट पे, लेकिन इंडिया में कई ऐसी गरीब रथ चलती है ये मैक्स स्पीड 130 है, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ सेफ्टी का कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है रेलवे। भाई सोचो इकोनॉमी कोच यहाँ डाल के गरीब रथ पे जो है इसको LHB करना चाहिए, लेकिन नहीं की। बाकी इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना भाई, ये हमारे दिमाग में बहुत दिनों से चल रही थी बात, सोचा आज गरीब रथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाएं, जो भी हो कमेंट्स में बताना। चलो अभी यहाँ पर शाम का टाइम है, आप कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, इधर की कॉफ़ी ट्राई करते हैं कैसी है। भाई साहब जैसी बस कॉफ़ी ली है उतने में ट्रेन अपनी चल गई है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन से, बस कॉफ़ी ही ले पाए इतना ही समय मिला वीडियो बनाने के अलावा। तो भाई ये है पूरा अपना कंपार्टमेंट जहाँ पूरी जर्नी हम लोगों की हुई इस गरीब रथ में, ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर भी उतर गए हैं। और यहाँ पर ये देखो एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है और एक चार्जिंग सॉकेट वहाँ पर है, ठीक है। और गरीब रथ का तो जानते हो थोड़ा सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अलग और अजीब ही होता है, ये देखो बीचों बीच साइड लोअर आ रही है, ठीक है, मतलब लगभग 8 लोगों पर 2 चार्जिंग सॉकेट। और ये ट्रेन जान रहे हो कितनी पुरानी चली आ रही हैं, ठीक है, लेकिन समय के साथ अब चार्जिंग सॉकेट्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, कोचेस को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन कहाँ हो रहा है। पूरी जर्नी में हम सही बता रहे हैं बहुत प्रॉब्लम हुई चार्जिंग को लेकर, 29 घंटे की लगभग ये जर्नी है और सोचो उसमें मोबाइल चार्जिंग की कितनी दिक्कत होती होगी पैसेंजर्स को, हमने तो भाई इसमें ट्रैवल करके देख ही लिया। बाकी आप समझ सकते हो ऊपर वाली सीट पर भी कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यार देखना चाहिए रेलवे को, अपग्रेड करना चाहिए गरीब रथ को भी, LHB करना चाहिए। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन, उससे पहले वॉशरूम कंडीशन दिखाएं, तो यहाँ पर ये देखो बेसिन वगैरह जो है एकदम साफ़ सुथरा है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी दिखी, देखो आजकल राजधानी जैसी ट्रेन्स में भी, दुरंतो जैसी ट्रेन में भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये देखो हैंड वॉश अवेलेबल है बेसिन में, बाहर की साइड में मिरर वगैरह सही है साफ। और अंदर की वॉशरूम की बात की जाए भाई, ICF ट्रेन होने के बाद भी मेंटेनेंस बहुत सही कर रखा है, वॉशरूम में भी पानी वगैरह सब चालू है, यहाँ भी हैंड वॉश है और मिरर
ये भी सही साफ है। तो भाई साहब ICF ट्रेन कैसे मेंटेन होती है ये साउदर्न रेलवे से सब लोग सीख सकते हैं। ICF ट्रेन साउदर्न रेलवे की बहुत देखी है हमने, जितने में भी ट्रैवल किया सब एकदम मेंटेन रहती है। और बाकी कहीं भी देखो तो दुरंतो राजधानी ही मेंटेन नहीं हो पा रही है, और यहाँ साउदर्न रेलवे इतने पुराने ICF कोचेस को भी अच्छे से मेंटेन करके साफ सुथरा चलाता है। तो भाई साउदर्न रेलवे के लिए तो हैट्स ऑफ। बाकी और जो जोन्स हैं उनको भी देखना चाहिए साउदर्न रेलवे को। तो अपने निर्धारित समय से 14 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन, अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन कोचुवेली रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से, जो त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उससे करीब 5-6 किलोमीटर की ही दूरी पर है। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी इस ट्रेन के बारे में जो सारी चीज़ें थी वो हमने आपको दिखाई दी, कैसी क्या सर्विस है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बाकी रूट में भी आपको खाने पीने का। वैसे मुंबई से अगर आप इस ट्रेन से जा रहे हो, कोचुवेली आ रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना वहाँ से खाना पीना साथ लेके चलो, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। जैसे कल रात में फिर वही साइड पेंट्री वाला नाटक, इससे बढ़िया वहाँ से आप अच्छा खाना लेके चलो अपने घर वगैरह से, वो बढ़िया, या फिर बाहर से रेस्टोरेंट वगैरह से भी ला सकते हो, वो बेटर ऑप्शन रहेगा रात में साइड पेंट्री से खाना खाने से। और बाकी दिन में तो आपको रूट में यहाँ साउथ में काफ़ी सारी ऑप्शन मिलेंगे खाने पीने की, आपने देखा ही। चलो आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।